अब क्यों पकड़ रहे हो? अरे भाई साहब, जो गाड़ी वहां जा रही है उसके पीछे जल्दी। कौन सी गाड़ी? अरे वो जो वो जा रही है। वो तो चली गई। अब मुझे एयरपोर्ट छोड़िए। चलिए। क्या हुआ बीबी जी? कुछ नहीं काका, थोड़ा चक्कर आ गया। काका, आप यहाँ को डॉक्टर मित्तल को लेके आइए। अभी बुलाता। मम्मा आराम से। हाँ मैं ठीक हूँ। देखिए बैठो यहाँ। मैं बस अभी आता हूँ। अरे निखिल, तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी बस अभी आ रहा हूँ मैं। चलेगा? चल चल। आ जाएगा, आ जाएगा। आप आराम से बैठिए। अपना हाथ दीजिए। क्यों? अरे दीजिए तो। अरे डॉक्टर तू है, ये है जो पल्स चेक करेगा वही डॉक्टर। एग्जैक्टली। और अब पेशेंट को वही करना पड़ेगा जो डॉक्टर कहे। और क्या डायग्नोसिस है हमारी डॉक्टर साहब का? डॉक्टर का डायग्नोसिस ये है कि आप अगले 2 दिन तक घर से बाहर नहीं जाएंगे। अरे ये क्या पागलपन है, मेरी अभी 11 बजे की फ्लाइट है। है नहीं, थी। थी? जी हाँ, क्योंकि शेखर और निखिल आपका टिकट कैंसिल करवाने गए हैं। अरे रोको उन्हें, ये क्या बचपना है? बचपना नहीं मामा, बस आप नहीं जा रही हैं, दैट्स फाइन। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मेरे कल सुबह वहाँ 2-2 ऑपरेशंस हैं। पूरी दिल्ली में तू ही एक डॉक्टर है क्या? अरे कुछ दिन तू हम लोग के साथ नहीं रह सकती? वो बात नहीं है सरला। मामा प्लीज रुक जाइए ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है मामा। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आती है बेटा, आई मिस यू वेरी मच। तो फिर आप बोलिए कि आप नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी प्लीज। ओके बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। चोपड़ा का घर यही है, तुम यहाँ काम करो। अब लावण्या कहाँ है आपकी? लावण्या दीदी तो बंबई में है। वापस कब तक आएंगी? वो तो वहीं रहती है। एड्रेस तो तुमको पता ही होगा। हाँ साहब पता है, बताऊँ? बताइए। C302 सी ब्रिज अपार्टमेंट जूतारा रोड C302 सी ब्रिज अपार्टमेंट जूतारा रोड। थैंक यू। तुम रुक क्यों गई? तुम करती रहो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं मैं कुछ खास नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, फोटोज छपती हैं। अब तुम एकदम सही कर रही हो, अपने आप को फिट रखना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम अब एक बहुत बड़ी पेंटर बन गई हो। ओहो स्टॉप फ्लैटरिंग मी। नहीं नहीं मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ एकदम। पता है तुम्हारे लिए सुबह से कितने फोन कॉल्स आ गए? कितने? पूरे 26, और सबको तुम्हारी पेंटिंग्स खरीदनी है। सबको मेरी पेंटिंग्स खरीदनी है। उन सबसे कहो कि वो मेरा असिस्टेंट है ना, उससे बात करके पेंटिंग्स का ऑर्डर दे दे। असिस्टेंट ने आपके ऑर्डर बुक कर दिए मैम। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद योर वर्क। अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। मैडम मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या है? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम वाइम नहीं है। मैडम मुझे आपकी एक पेंटिंग खरीदनी है। पेंटिंग खरीदनी है? पैसे हैं तुम्हारे पास? मैडम मैं कुछ भी काम करके चुका दूंगा, सच, गॉड प्रॉमिस। अच्छा पेंटिंग खरीद के लगाओगे कहाँ? ऑफिस में। ऑफिस में क्यों, कमरे में क्यों नहीं? वो एक्चुअली मेरी सास आई हुई है। तो यही कि अगर उन्होंने देख लिया कि मैं और मेरी बीवी अलग अलग कमरे में। मम्मा को पता है कि हम अलग अलग कमरों में रहते हैं। उन्होंने कुछ पूछा नहीं? पूछा था लेकिन मैंने कह दिया कि इट्स ओके,
I'll see you in the evening. Nikhil? पेंटिंग्स नहीं चाहिए। थैंक्स लेकिन ये दो पेंटिंग्स किसके लिए? ओफो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ये दूसरी वाली तुम्हारे बॉस के लिए। मिस्टर बैनर्जी के लिए? उनसे कहना कि मैंने भिजवाई है। ऑलराइट। दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की ऐसा बाप आप मुझसे बात कर रहे हैं? आप वही है ना अपनी लावण्या बेबी जी के हीरो। अरे आप जानते हैं मुझे? बिल्कुल साहब, जब भी बेबी जी आपसे मिलने के लिए इंडिया गेट जाती थी मैं शन्नो में जाती थी, रोजाना ही देखता था आपको, इसीलिए झट से पहचान लिया। शन्नो कहाँ है आपकी शन्नो? शन्नो तो साहब मैकेनिक के पास ठीक हो रही है, उसी को लेने जा रही हूँ। अच्छा, वैसे साहब एक बात पूछूं? पूछिए। आपकी और लावण्या बेबी जी की हैप्पी एंडिंग हुई या नहीं अभी तक? हुई तो नहीं, वही करने जा रहा हूं। हैप्पी एंडिंग जरूर हो। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निखिल, कोई प्रॉब्लम है घर में तुम्हारे? क्यों सर? मैं देख रहा हूं आजकल ऑफिस देर से आ रहे हो। अगर किसी ने मेरे लेट आने की शिकायत की है तो? नहीं, बात उससे भी ज्यादा सीरियस है। क्या हुआ सर? ऑफिस में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हम सब की हरकतें शक के दायरे में आ गई। सर, व्हाट इज इट? जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हम पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, वही सॉफ्टवेयर हमारी राइवल कंपनी ने हमसे पहले मार्केट में लॉन्च कर दिया है। हाउ इज इट पॉसिबल सर? वही तो मैं सोच रहा हूँ। जब सॉफ्टवेयर के बारे में हम 4 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था तो फिर ये फॉर्मूला लीक किसने किया? सर, ये तो वही कर सकता है जिसे फॉर्मूला के बारे में पता हो। You're right, Mr. Ansari. इस फॉर्मूला के बारे में सिर्फ हम 4 लोग ही जानते थे। अब देखना ये है कि इसे लीक किसने किया है। सबूत नहीं है ना निखिल, वरना सब कुछ साफ हो जाता। मिस्टर अंसारी, सबूत भी मिल जाएगा। Come on, निखिल, मेरा तुम लोगों से पूछने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। हो सकता है कोई बाहर का आदमी। नहीं सर, आदमी तो हमारे ऑफिस का ही है। आदमी नहीं, वायरस। What I mean is, जल्दी पता चल जाएगा सर। Let's see. आज तो मुझे इतना ही कहना है कि आप लोगों को काफी अलर्ट रहना होगा। Is that clear? Yes, sir. Now get back to work. सर, ये लावण्या ने आपके लिए भेजा है। Oh, what a nice thought. Say thanks to her. Yes. भाभी जी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। What I mean is, this is not fair, sir. मैं भी तो इसका सीनियर हूँ। तुम्हें मुझे भी तो खुश रखना चाहिए। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस मिस्टर अंसारी। सर, मुझे इनसे बहुत कंप्लेंट्स हैं। मुझे भी आपसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं मिस्टर मल्होत्रा। तुम्हारा यूं घर को ऑफिस में ले आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफ शकील, इनफ। निखिल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसा आपको लगता है सर, पर जो आदमी घर को ऑफिस में लेकर आता है न जाने वो ऑफिस से घर क्या क्या ले जाता होगा। सर, सर व्हाट डज ही मीन? कहने का मतलब क्या है इसका? स्टॉप इट। सर, सर व्हाट डज ही मीन सर? आज जो हादसा हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। सॉरी सर। पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने यही रखा था। पक्का पता यही रखी थी? फिर कहाँ चली गई यार? पता नहीं। दिख भी नहीं रही है कहीं। भाई जरा उठो। हाँ उठो ना। उठो उठो। पक्का? यहाँ भी नहीं दिख रही। अच्छा, अब निखिल एक मिनट उठो ना, यहाँ ढूंढना है वो चीज, यहीं पर है शायद। क्या ढूंढ रहे हो तुम? हाँ, मिल गए। हरी आवाज, पिछले 3 घंटे से गायब थी। यू कैन सो इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल हमें या तुम? इतनी देर से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम मेरे बात ही नहीं करना चाहते। कुछ नहीं यार, मुझे उस शकील पे बहुत गुस्सा आ रहा है। शकील पे गुस्सा आ रहा है ना, तो तुम अपने आप को क्यों पनिश कर रहे हो? यार उसकी हिम्मत कैसी हुई उल्टा सीधा बोलने की? अगर मिस्टर बैनर्जी नहीं होता ना तो क्या उसका सर फोड़ देते ना? अगली बार मिलेगा तो उसका सर फोड़ देना। राइट, अभी चलो तैयार। किसके? ऐसे बोल जा रहे हैं और मैंने शेखर को भी फोन कर दिया। मुझे नहीं जाना, तुम लोग मुझे फोर्स मत करो। निखिल देखो सुनो, सलांटी और मम्मी दोनों नहीं है, तुम भी बाहर जाओ कि यू फील बेटर। कम ऑन प्लीज। हां मैंने प्लीज यार। प्लीज यार, कब से बोल रहे हो निखिल, कम ऑन। तुम मुझे इतना मनाता ना, मैं तो सूली पे भी चढ़ जाता। हां चढ़ जाता। तुम ही मनाओ अपने रोंदू दोस्त को। इसे मनाओगे ना तो ये नहीं मानेगा। इसका इलाज तो सिर्फ मुझे आता है। क्यों बच्चू? हां नहीं नहीं शेखर, तू चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं यार मुझे तुम मैं तुझे नहीं शेखर 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 अच्छा ओके चलेगा। हां चलूंगा चलूंगा। चलेगा ना? पक्का? लेट्स गो, हम लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ओके लेट्स गो। अरे तुम कहां जा रहे हो? चेंज कर रहे हैं। दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनना जरूरी है क्या? उनको जाने दो, हम दोनों फिल्म के लिए चलते हैं। ओके ब्यूटीफुल प्लेस। अरे क्या हुआ, तुम्हें यहीं पर रुकना है कि एसएल वर्ल्ड जाना है? अरे एसएल वर्ल्ड तो जाते रहेंगे, आज यहीं रुकते हैं, इतनी सुंदर जगह है। वाह ए निखिल इधर आओ, वो देखो। आ रहा हूं आ रहा हूं। वाह निखिल, यहां से तो पूरा का पूरा मुंबई दिख रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल ना? मुझे नहीं पता था कि मुंबई में ऐसी जगह भी है। कैसे पता चलेगा? या तो तुम पूरा टाइम घर पे बैठे रहते हो या ऑफिस में। ऑफिस। निखिल डैम, निखिल लिसन। हाँ चलेंगे ना, प्लीज आइए, रेडी। थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ प्लीज। अच्छा आप, तुम्हारे पास साड़ियाँ हैं? साड़ियाँ नहीं है, मटके तो होंगे। साड़ियाँ मटके क्या है सब? ये सब ये है कि अगर तुम्हारे पास साड़ियाँ और मटके होते ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक हिंदी फिल्म हीरोइन की तरह एक बढ़िया सा आइटम नंबर करके तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक कर देती। अच्छा तुम हीरोइन हो? क्यों नहीं बन सकती? अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल से तो अच्छी है। सड़ी हुई शक्ल है मेरी? जी हाँ, जमीन पे देखो कितने गड्ढे पड़ गए। गड्ढे हो गए मतलब? मतलब ये कि सबसे जमीन में घूर घूर के चल रहे हो, गड्ढे नहीं होंगे तो और क्या होगा? प्लीज यार लावण्या, मेरी टांग मत खींचो। तुम्हारी टांग खींच रही हूँ मैं? एक तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम हो कि इतने बैड मूड में चल रहे हो। अच्छा बाबा सॉरी। ओके वैसे स्माइल अगर थोड़ी और होती तो ज्यादा बेटर होता। अब ठीक है? दैट्स बेटर, अब चलो। चलो भाई साहब, आप थोड़ा जल्दी करेंगे? जी साहब। इतना दूर है जो यार, थोड़ा सा ही दूर है तो आप जल्दी कीजिए ना प्लीज। Ha 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 ha
तो दिल्ली में भी पड़ती है, मगर इतना पसीना वहाँ नहीं होता जितना यहाँ होता है। अरे भैया, भगवान के दर्शन करने हैं तो थोड़ा पसीना तो बहाना पड़ेगा ना। अरे वहाँ पंडित जी बता रहे थे कि सिद्धि विनायक मंदिर में जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। तुमने क्या मांगा? अरे मैं क्या मांगूंगी, मेरी तो बस भगवान से एक ही दुआ है, लावण्या और निखिल खुश रहे, उन दोनों के बीच में बस कोई ना आए। मैं देखती हूँ। वैसे डॉक्टर तान्या की दवाई आई बड़े काम, तुम्हारा मुंह तो एकदम ठीक हो गया। अरे यार, किसी पागल ने लिफ्ट का दरवाजा खोला छोड़ा। हाय, अब नमस्ते जी। अब आप लावण्या की मम्मी हैं? हाँ, मगर आप? जी मैं सैंडी। अरे यार, कपड़ा मूड मत खराब कर, अगर पैदल ऊपर जाना पड़ेगा ना तो मूड पसीने में बह जाएगा। शी शी शी, लेजी बोन्स। तुमने मुझे आलसी कहा? अच्छा, तुम आलसी नहीं हो? हाँ। तो ठीक है, प्लेस कर। ऊपर तक? हाँ ऊपर तक। वैसे भी आजकल तुम बहुत मोटे हो गए। चलो एक। मैं मोटा हूँ? हाँ चलो, 1, 2 and 3। जी मैं सैंडी, लावण्या का दोस्त, इसका बॉयफ्रेंड।